भाई भाई दोस्तों, स्वागत है आपका देव कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेज में। फिर अपन कल्चर की प्रश्नोत्तरी की क्लास में आज फिर मिले हैं, और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान के मेलों से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लगभग 20 से 21 प्रश्न, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड पर छपा हुआ है, मेले से संबंधित, मेलों की प्रश्नोत्तरी के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन सा मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है, कौन सी तिथि को होता है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो पहला प्रश्न जो अपने बोर्ड पर छपा हुआ है वह है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित अपन को करना है, पहले ऑप्शन में है रामदेव पशु मेला, इसके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतापगढ़। दूसरे ऑप्शन में रामदेव जी का मेला बारा, सीताबाड़ी का मेला जोधपुर, और सीता माता का मेला नागौर। तो मित्रों यहाँ बिल्कुल चर्चा करते हैं अपन। पहला ऑप्शन में दिया है रामदेव पशु मेला, मतलब सुमेलित करना है कौन सा मेला कहाँ आयोजित होता है, और रामदेव जी का मेला बारा, सीताबाड़ी का मेला जोधपुर, सीता माता का मेला नागौर। तो पहला ऑप्शन जो है अपने पास, रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मित्रों पहला ऑप्शन जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ऑप्शन में रामदेव पशु मेला जो आयोजित होता है वो नागौर में होता है। तो ए में अपने पास फोर है, और फोर किस किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन पहले अपन देखेंगे, दूसरा है रामदेव जी का मेला। तो रामदेव जी का मेला जो लगता है मित्रों, वो लगता है जोधपुर में। तो यहां पर देखिए आप, बी ऑप्शन में फिर दूसरे में थ्री भी आ रहा है और सी में भी थ्री है, तो तीसरा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब तीसरे ऑप्शन में है कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है, सीताबाड़ी का मेला। तो मित्रों ये जो सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है, ये प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, प्रतापगढ़ में। तो सी में क्या होगा, थ्री हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी ऑप्शन में फिर नहीं, मैच नहीं खा रहा। तो बिल्कुल एक बार रामदेव जी का पशु मेला, रामदेव पशु मेला जो है पहले ए ऑप्शन में अपन फोर करेंगे नागौर, और रामदेव जी का मेला जो है वो जोधपुर, यानी का बी ऑप्शन में होगा थ्री, बी ऑप्शन में हो जाएगा थ्री, यानी का फोर थ्री, और सीताबाड़ी मेला प्रतापगढ़। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन राइट होगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि देखो यानी का पहले ऑप्शन में रामदेव पशु मेला जो कहाँ आयोजित होता है, बिल्कुल नागौर में होता है। दूसरा ऑप्शन में कि रामदेव जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, रामदेव जी का मेला जोधपुर में आयोजित होता है, तो बी में अपने पास है थ्री। और तीसरे ऑप्शन में कि सीताबाड़ी का मेला, बिल्कुल सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में आयोजित होता है, तो बिल्कुल तीसरे ऑप्शन में वन। और लास्ट है सीता माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़ में, और सीता माता का मेला जो पूछ रहा है, देखो सीताबाड़ी मेला, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सीताबाड़ी का जो मेला है वो 12 है, और सीता माता मेला जो है वह प्रतापगढ़ है। तो सीताबाड़ी का मेला 12, यानी का सी में दूसरा होना चाहिए अपने पास। तो ये वाला ऑप्शन है, सॉरी मित्रों, ये वाला ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन है, 4-3 और 2-1 वाला, ठीक है। रामदेव पशु मेला बिल्कुल पहले ऑप्शन में नागौर, रामदेव जी का मेला ये जोधपुर, यानी का बी ऑप्शन में बिल्कुल तीसरा, और सीताबाड़ी का मेला जो है 12 में है, यानी का सी में 2 है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन अपना राइट है, और सीता माता का मेला प्रतापगढ़। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है वो ये है, सी वाला ऑप्शन राइट है, 4-3 और 2-1, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है, मातृकुंडिया मेला किस जिले में आयोजित होता है, चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, सिरोही में, उदयपुर में। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है, और ये जो मातृकुंडिया मेला है, ये मातृकुंडिया जो है, मातृकुंडिया स्थान नामक जो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और आप सभी को पता हो तो भीलों के जो मसीहा है वो हैं, भीलों के मसीहा मोतीलाल तेजावत। मैं आप लोगों को बता दूं, मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान से ही सन 1921 में एक ही आंदोलन चलाया था। तो चित्तौड़ जिले का जो मातृकुंडिया स्थान है वो बिल्कुल फेमस है, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी का कौन सा युग्म असुमेलित है, भर्तृहरि मेला, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चौथ माता का मेला, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल एकम से दसवीं, और बैणेश्वर मेला माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा। तो मित्रों कौन सा ऑप्शन असुमेलित है, देखिए भर्तृहरि मेला, भर्तृहरि मेला की तिथि इसके सामने दे रही है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ये बिल्कुल कंफर्म है और बिल्कुल सही है कि भर्तृहरि मेला जो लगता है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। चौथ माता का मेला दे रखा है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। मित्रों बिल्कुल यहीं पर अपन ने इस प्रश्न का आंसर ढूंढ लिया है, चौथ माता का जो मेला लगता है, मैं आप लोगों को बता दूं, वो माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन असुमेलित है, इनका ये सुमेलित नहीं है। चौथ माता का मेला तो माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, और केला देवी का मेला बिल्कुल सही है, चैत्र शुक्ल एकम से दसवीं तक लगता है, और बैणेश्वर मेला माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। अगला प्रश्न है,
तार किनका उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है, तार किनका जो उर्स है वो किस पीर की दरगाह पर आयोजित होता है। पहला ऑप्शन है संत हमीदुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर दुल्ले शाह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है तारकिन का उर्स वह है संत हमीदुद्दीन नागौरी। इनका संत हमीदुद्दीन नागौरी के उर्स को तारकिन का उर्स भी कहा जाता है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है संत हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न है मलिक शाह पीर का उर्स कौन से जिले से संबंधित है, मलिक शाह पीर का उर्स। मित्रों ऑप्शन में है जालौर, नागौर, कोटा और चूरू। तो संत मलिक शाह की दरगाह राजस्थान के जालौर दुर्ग में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जालौर। यानी का संत मलिक शाह पीर का जो उर्स लगता है वो राजस्थान के जालौर जिले में लगता है। तो बिल्कुल सही आंसर है जालौर। अगला प्रश्न है अपना विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां आयोजित होता है, बांसवाड़ा, खेजड़ली, नोखा और मंडोर में। मित्रों इसका जो सही आंसर है वो है खेजड़ली गांव जोधपुर। यानी का खेजड़ली गांव जोधपुर में राजस्थान का एकमात्र ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और ये खेजड़ली गांव में जो वृक्ष मेला लगता है मैं आप लोगों को बता दूं, ये वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, तेजादशमी के दिन लगता है। इस मेले को खेजड़ली शहीद मेले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मित्रों ध्यान दे ये जो खेजड़ली शहीद मेला जो आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को होता है। और ये जो आंदोलन हुआ था वृक्ष बचाओ आंदोलन, ये अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन में, इस वृक्ष बचाओ आंदोलन में 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जिनमें 294 पुरुष और 69 स्त्रियां शामिल थी। तो विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला जो लगता है वो खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला है, यानी का राजस्थान का ऐसा कौन सा मेला है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। गणेश्वर धाम मेला, भर्तृहरि मेला, कोलाइत मेला, करणी माता का मेला। तो मित्रों आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो बणेश्वर धाम मेले को कहा जाता है। और बणेश्वर धाम का जो मेला लगता है ये माघ पूर्णिमा को लगता है। तो आदिवासियों का जो कुंभ है वह इसका सही आंसर है बणेश्वर धाम मेला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है, कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है। तो मित्रों ऑप्शन में है बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला और रामदेव पशु मेला। मित्रों बलदेव पशु मेला बिल्कुल ये भी नागौर जिले में आयोजित होता है, तेजाजी पशु मेला ये भी नागौर जिले में आयोजित होता है, लेकिन शिवरात्रि जो पशु मेला है ये नागौर जिले में आयोजित ना होकर के करौली जिले में आयोजित होता है। तो नहीं होता है तो कौन से जिले में आयोजित नहीं होता, बिल्कुल शिवरात्रि पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता है, क्योंकि ये करौली जिले में आयोजित होता है। और रामदेव पशु मेला भी बिल्कुल नागौर जिले में आयोजित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिवरात्रि पशु मेला। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन होता है, यानी कि मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, आशिंद में, सांचौर में, तिलवाड़ा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है मल्लीनाथ पशु मेला में आपको बता दूं तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मेला कहाँ नहीं लगता है, मतलब कौन सा मेला सुमेलित नहीं है। जसवंत पशु मेला भरतपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ और बलदेव मिर्धा पशु मेला सांचौर। मित्रों जो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं बिल्कुल जसवंत पशु मेला बिल्कुल भरतपुर में ही आयोजित होता है, चंद्रभागा पशु मेला बिल्कुल झालावाड़ में आयोजित होता है और गोमती सागर जो पशु मेला है बिल्कुल झालरापाटन में आयोजित होता है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वही बलदेव मिर्धा पशु मेला, ये इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है राम रावण का मेला कहां आयोजित होता है, राम रावण का मेला। ऑप्शन में बहरोड़ अलवर, डीग भरतपुर, मंडोर जोधपुर और बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़।
तो मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, रावण का संबंध मंडोर से रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी मंदोदरी थी वो बिल्कुल मंडोर की ही रहने वाली थी, ऐसा कहा जाता है। और जोधपुर जिले में जो अपन दशहरा मनाते हैं वो मंडोर जोधपुर में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि राम रावण का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो मित्रों राम रावण का जो मेला है वो मंडोर जोधपुर में आयोजित नहीं होता, ये जो मेला आयोजित होता है ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कपिल मुनि का मेला चूरू, ग्रीष्म महोत्सव सिरोही, सालासर बालाजी मेला बीकानेर और भर्तृहरि मेला अलवर। तो मित्रों बिल्कुल इसका मिलान करते हैं कि सही सुमेलित करना है अपन को। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, कपिल मुनि का जो मेला है यह बीकानेर में आयोजित होता है, आयोजित होता है बीकानेर में। तो ए ऑप्शन को किससे मिलाएंगे, थ्री से। बिल्कुल यहीं पर अपना आंसर निकल रहा है, क्योंकि और में कहीं पर भी ऑप्शन में थ्री नहीं है, तो बिल्कुल यही आंसर निकला है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर मिला करके देखते हैं, कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित होता है, बीकानेर में, कपिल मुनि की तपोस्थली कोला ये तो बीकानेर। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि ग्रीष्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो बिल्कुल ग्रीष्म महोत्सव जो आयोजित होता है वह सिरोही, माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता है, तो बिल्कुल बी में है टू। तीसरा है, सालासर बालाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, मित्रों सालासर बालाजी का मेला जो आयोजित होता है वह चूरू में आयोजित होता है, सी में है वन। और भरतहरि मेला कहाँ आयोजित होता है, बिल्कुल अलवर में आयोजित होता है। तो बिल्कुल अपना जो सही आंसर है वो है 3, 2, 1, 4, बिल्कुल ये वाला आंसर अपना राइट है, सुमेलित कीजिए, ये वाला सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फिर सुमेलित वाला प्रश्न पूछा गया है, फूल ढोल मेला अलवर, अन्नकूट मेला करौली, महावीर जी का मेला राजसमंद और चंद्र प्रभु का मेला वह है भीलवाड़ा। तो मित्रों बिल्कुल इसको सुमेलित करते हैं, फूल डोल मेला जो है मित्रों वो भीलवाड़ा जिले में आयोजित होता है। तो ए को किससे मिलाएंगे, फोर से, लेकिन फोर दो जगह आ रहा है अभी देखना पड़ेगा। तो फूल डोल मेला जो है भीलवाड़ा में आयोजित होता है, अन्नकूट मेला ये राजसमंद में आयोजित होता है। तो मित्रों पहले में फोर, दूसरे में थ्री, तो बिल्कुल दूसरे में थ्री किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो यहीं पर अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, होगा डी ऑप्शन राइट। यानी कहा फूल डोल मेला जो लगता है वो भीलवाड़ा जिले में लगता है, अन्नकूट मेला जो लगता है वो बिल्कुल नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित होता है, महावीर जी का मेला जो है वो करौली में आयोजित होता है और चंद्र प्रभु का मेला तिजारा अलवर में आयोजित होता है। तो अपने पास इसका सही सुमेलित जो कूट है वह है 4, 3, 2 और 1। बिल्कुल अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, नागौर, डूंगरपुर, जैसलमेर और अजमेर। बिल्कुल इसका सही आंसर है डूंगरपुर, इनका राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, और आदिवासियों का जो कुंभ है मैंने आपको बताया बैणेश्वर धाम डूंगरपुर, वो यहीं का फेमस है। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, महाशिवरात्रि पशु मेले के बारे में पूछा गया है, महाशिवरात्रि मेला नहीं पूछा गया है, तो महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, ऑप्शन में है जयपुर, बाड़मेर, करौली और अजमेर। तो इसका सही आंसर है महाशिवरात्रि जो पशु मेला आयोजित होता है वो बिल्कुल राजस्थान के करौली जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले एवं उत्सवों में से असुमेलित युग्म है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजित किए जाने वाले मेले और उत्सव है उनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है। पहला ऑप्शन है अपने पास, पहला जो ऑप्शन है वह मत्स्य उत्सव करौली, तीर्थराज मेला मंचकूट, गरुड़ मेला भरतपुर, राष्ट्रीय जनजाति मेला डूंगरपुर, असुमेलित कौन सा है यह देखना है। मित्रों मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल पहला ही जो ऑप्शन है बिल्कुल ये असुमेलित है, क्योंकि मत्स्य उत्सव जो है, एक मिनट, बिल्कुल मत्स्य उत्सव जो है यहां पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अभी देखते हैं, मत्स्य उत्सव करौली, करौली, तीर्थराज मेला ये बिल्कुल मंचकुंड में लगता है, गरुड़ मेला ये भरतपुर बिल्कुल धौलपुर में लगता है, राष्ट्रीय जनजाति मेला डूंगरपुर में लगता है। तो मत्स्य उत्सव का जो आयोजन होता है वो अलवर में होता है, तो पहला ही ऑप्शन अपने पास असुमेलित है। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का प्रसिद्ध बैणेश्वर मेला किस माह में आयोजित होता है, माघ में, आषाढ़ में, फाल्गुन में और पौष में। राजस्थान का प्रसिद्ध जो बैणेश्वर मेला है वो मित्रों माघ माह में आयोजित होता है, इनका माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, भील जनजाति का कुंभ कहलाता है, भील जनजाति का कुंभ घोटिया अंबा मेला, बैणेश्वर मेला, शिवाया मेला और सीताबाड़ी मेला। तो मित्रों भील जनजाति का जो कुंभ है वो कहलाता है बैणेश्वर धाम मेला, यानी का बैणेश्वर धाम मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, यानी का भील जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। टेपो महादेव मेला धौलपुर, हणी महादेव मेला अलवर, लालिया काल्या का मेला अजमेर, वीरपुरी का मेला जोधपुर। मित्रों इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? टेपो महादेव मेला बिल्कुल ये धौलपुर में ही आयोजित होता है। हणी महादेव मेला, मित्रों यहां बिल्कुल कंफ्यूजन है, हणी महादेव मेला अलवर में आयोजित न होकर के भीलवाड़ा जिले में आयोजित होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है हणी महादेव, ये है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। बाकी लालिया काले का मेला बिल्कुल अजमेर में लगता है और वीरपुरी का मेला भी जोधपुर में लगता है। तो इसका सही आंसर है हरणी महादेव का मेला अलवर, यानी का ये अलवर में न लग करके भरतपुर जिले में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी 12 में कब भरता है, कौन सी तिथि को भरता है सीताबाड़ी मेला, यानी का शहरियों का ये जो कुंभ है ये सीताबाड़ी 12 में कब आयोजित होता है, चैत्र अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को और भाद्रपद अमावस्या को। तो मित्रों सीताबाड़ी का जो मेला आयोजित होता है सीताबाड़ी 12 में केलवाड़ा कस्बे में, वो ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ज्येष्ठ अमावस्या। अंतिम प्रश्न है मित्रों आज की प्रश्न उत्तरी का, वही राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स किसकी दरगाह पर भरता है, राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा उर्स है वो किसकी दरगाह पर भरता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, संत फखरुद्दीन की दरगाह पर, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर, हजरत हुसैन सक्कर पीर बाबा की दरगाह पर। मित्रों जो इसका सही आंसर है मैं आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स, तो वो यहां पर दूसरा सबसे बड़ा उर्स पूछा गया है, ना कि राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स पूछा गया है, दूसरा उर्स पूछा गया है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो उर्स है वो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का उर्स है, ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, लेकिन यहां पर पूछा गया कि राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा जो उर्स है वो किसके दरगाह पर बढ़ता है। तो राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा उर्स जो है मित्रों वह है संत हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स, जिसे तारकिन के उर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल आज की प्रश्नोत्तरी की जो कल्चर की क्लास थी उसको यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।